चुनाव और इसी के साथ साथ इलेक्शन के बीच जुबानी जंग लगातार बढ़ता जा रहा है और 23 मई को इसका परिणाम आने वाला है। देखना होगा इस बार कौन मारता है बाजी, क्या एक बफर से मोदी सरकार होगी देश की राजगद्दी संभालती हुई, क्या प्रधानमंत्री के पद पर फिर से इस बार सत्ताधारी सरकार का ही राज होगा या फिर इस बार पलटेगी बाजी, इस बार जनता नतीजे को सपोर्ट करने के लिए जी हाँ अपने वोटिंग की ताकत के साथ सरकार बदल देगी, सरकार की नीतियों को गलत साबित कर देगी। इन सब पर सबकी निगाहें हैं 23 मई की तारीख पर जिसमें कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन इससे पहले सातवें चरण में होने वाले वोटिंग की बात करें यानी कि 19 मई की तारीख को होने वाले वोटिंग की बात करें तो अब भी बाकी है। बड़ा चुनावी दंगल में एक बड़ी ताकत के परिणाम का इंतजार करना, ताकत को झकझोर कर रख देंगे वो जनता जो कि अपनी निगाहों में अपनी सरकार खुद ही बनाने के लिए अपनी एक उंगली में ताकत रखते हैं। वोटिंग की अगर बात की जाए ऐसे में लेकर आई हूं मैं आपके बीच नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से ये स्पेशल प्रोग्राम। मैं तृप्ति आप सभी के बीच आज स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। इस खास प्रोग्राम में हम करेंगे बात गुरदासपुर में होने वाले वोटिंग के बारे में। जी हां, पंजाब में सीएम अमरिंदर सिंह ने लगातार तंज कसा सनी देओल पर, गंभीर आरोप तक लगा दिए कि उन्होंने दबाव में आकर छापेमारी के डर से बीजेपी से जुड़ने का फैसला लिया वरना वो ऐसा नहीं करते। वहीं धर्मेंद्र ने कहा अगर उन्हें पता होता कि गुरदासपुर से कांग्रेस उम्मीदवार सुनील जाकर है इस बार लोकसभा चुनाव के लिए लड़ रहे हैं तो कभी भी सनी देओल को चुनाव नहीं लड़ने देते। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा उलझन है, ऐसे में सनी देओल अपने पिता धर्मेंद्र के क्या खिलाफ होकर नामांकन उन्होंने दर्ज कराया भाजपा की तरफ से, या फिर धर्मेंद्र जो मोदी सरकार के प्रशंसक है समर्थक है लगातार उन्होंने चुनाव प्रचार किया है अपनी पत्नी हेमा मालिनी के लिए, वो हेमा की तरह ही सनी के सपोर्टर है, इस पर करेंगे बात। जी हाँ, आज हम आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें नतीजा सामने आने से पहले सातवें चरण में गुरदासपुर में होने वाले वोटिंग से पहले ही अपने सौतेले बेटे सनी देओल की जीत को कैसे पक्की करते हुए जनता के बीच पूरे देश भर के अपने फैंस के बीच सोशल मीडिया पर ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए हेमा ने एक बात पक्की कर दी है कि सनी की ही जीत होगी। जी हाँ, सनी यानी कि भाजपा की जीत। सनी देओल का कहना है कि उनकी जीत यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी की जीत है और मोदी की जीत पर ही हेमा ने एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा जातिवाद से लेकर रिलीजन, धर्म से लेकर उनके परिवार के खिलाफ उठे तमाम सवालों के बावजूद चाय वाला कहलाने से लेकर चौकीदार बनने तक पीएम मोदी ने फिर भी आधे से ज्यादा जनता देश के 65% जनता को अपनी तरफ खींचा है जबकि उनके खिलाफ उनके विपक्ष में खड़े तीन बड़ी पार्टियों में आम आदमी पार्टी हो या फिर राज्य के दूसरे राज्यों में बंगाल में टीएमसी हो, सपा बसपा की गठबंधन हो या फिर कांग्रेस हो, उन्होंने अपनी जीत पक्की कर ली है जिससे प्रियंका गांधी की नींद उड़ेगी। जी हाँ, राहुल गांधी की नींद उड़ेगी। भाई ऐसे कैसे हेमा ने ये बात कही है, क्या उनका वो निर्णय है, आखिर क्या उनकी नजरिया है जो करती है ये बात, करती है ये ऐलान करने की कोशिश कि जीत पक्की है इस बार भी भाजपा की, जीत एक बार फिर से मोदी लहर की होगी। तो आइए हम देखते हैं वो खास रिपोर्ट, हेमा ने ऐसा क्या कहा। सनी की जीत पक्की की कगार पर आ गई है, सातवें चरण में वोटिंग इसका एक रूप दिखाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी ने खुलकर बीजेपी की जीत को लेकर बड़ा ही शानदार तरीका अपनाया जो उनके बेटे सनी के प्रचार में एक बड़ा फायदा साबित होता नजर आ रहा है। अभी भी सातवें चरण में होने वाले वोटिंग में है दिन और कुछ दिनों के अंदर ही हेमा पक्की कर रही हैं बेटे सनी के जीत की साजिश और प्लानिंग में हेमा मालिनी को जबरदस्त जीत भाजपा की जीत के साथ खुद भी उन्हें मिलेगी। देख कर ये
धर्मेंद्र जरूर उछल पड़ेंगे, डांस करने लगेंगे, क्योंकि उनकी पत्नी हेमा ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत कर रही है बात, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए अपने बेटे सनी की जीत पर मुहर लगाने की कर रही है तैयारियां। 19 मई को होने वाली गुरदासपुर में 7वें चरण की वोटिंग, जिससे पहले हेमा ने एक बड़ा स्टेटमेंट फिर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया की, सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर की, जहां हेमा मालिनी के वेरिफाइड अकाउंट के जरिए खुला है बीते दिन ये राज। इन द वॉर ऑफ वर्ड्स दैट इज गोइंग ऑन नाउ, द अपोजिशन हैज बट वन एजेंडा टू डिनिग्रेट मोदी जी एंड क्रिएट हैट्रेड इन द माइंड्स ऑफ ग्लोबल पब्लिक, द पर्सनल हेल्ड अगेंस्ट हिम हैव रीच्ड अब्सिमल डेप्थ, लेट अस प्रे दैट 23rd में सेट्स टू रेस्ट ऑल दिस मोदी हेटर्स फॉरएवर। हेमा मालिनी ने ट्विटर पर ये लिखा, इसका मतलब ये है कि जुबानी जंग के बीच अपोजिशन यानी कि विपक्ष पार्टी के जो भी नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ जनता में नफरत फैलाने की खूब कोशिश की, लेकिन उम्मीद यही करते हैं और यही दुआ करते हैं कि 23 मई को परिणाम मिलेगा और मोदी से नफरत करने वालों को करारी हार मिलेगी। इसके अलावा हेमा मालिनी ने उसी दिन एक और पोस्ट शेयर किया, उसमें हेमा मालिनी ने लिखा, मुझे बताया गया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द के प्रयोग किए गए, कास्ट क्रीड और धर्म से लेकर जातिवाद को लेकर उन पर पलटवार किया गया, हमला किया गया, तो वहीं चाय वाला को लेकर भी उनसे बात की गई, चाय वाला कह दिया गया, ऐसे में 65 की बात की उन्होंने कहा कि जो 65 है वो 100 पहुंच जाएंगे 23 मई की तारीख को, सभी लोग इस बात से रूबरू होंगे, द एपिक महाभारत का परिणाम क्या होगा, यानी कि लोकसभा चुनाव को उन्होंने महाभारत कहा, जहां पीएम मोदी के परिवार से लेकर उनके चाय वाला से जो शुरुआत की उन्होंने पॉलिटिक्स में आने की, उसकी खूबसूरती को लेकर लोगों ने नकारा और उस शब्द कह दिया। हेमा मालिनी ने लिखा, आई एम टोल्ड दैट द काउंट ऑफ पर्सनल अगेंस्ट मोदी जी विच रेज फ्रॉम अटैक्स ऑन कास्ट क्रीड and about his family, his humble beginnings as a chai wala have so far totaled 65. This figure reaches 100 by May 23. Those familiar with the epic Mahabharat know the outcome. यानी कि नतीजा जीत की तरफ ही है। यही है हेमा कहला, जिससे दल परिवार झूमेगा, क्योंकि इस बार भाजपा से जुड़े दो बड़े सदस्य हैं। हेमा ही नहीं बल्कि सनी देओल भी है, क्योंकि भाजपा की जीत के लिए अपने सभी करोड़ों चाहने वालों को इकट्ठा करने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। वेल, तो सुना आपने, जाना आपने, हेमा मालिनी ने ट्विटर पर ये लिखा और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत निश्चित है यही बातें बताने की कोशिश की है, लेकिन सनी देओल जिनकी उम्मीदें यही है, जिनकी सोच बिल्कुल अपनी माँ से मेल खाती है, वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रचार करते भले नजर आए हो, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। गौर हो, बीते दिनों एक हादसे की वजह से सनी देओल काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे, जब उनकी गाड़ी का टायर निकल गया और उस गाड़ी के तीन गाड़ियों ने टक्कर मारा, जिसके बाद सनी देओल काफ़ी परेशान रहे। वल, तो देखा आपने, सुना आपने, हेमा मालिनी ने क्या कहा है ट्विटर पर, उनका वो पोस्ट जो काफी ज्यादा बवाल मचा रहा है ट्विटर पर, उनका ट्वीट करना भाजपा के सपोर्ट में और आंकड़ों के साथ बात करना करता है इशारा कि इस बार फिर मोदी लहर गूंजेगी देश के बड़े राज्यों में, लेकिन अब भी नतीजे का करना पड़ेगा इंतजार। 23 मई की तारीख को होगा वो ऐलान, जिसका 5 साल बाद लगातार देश की जनता को है सबसे ज्यादा इंतजार।
पार्टियों को है इंतजार, लोकसभा चुनावी उम्मीदवारों को है इंतजार, सनी देओल को है इंतजार, हेमा को इंतजार, प्रियंका राहुल को है इंतजार, अखिलेश यादव को है इंतजार, मायावती से लेकर ममता बनर्जी को है इंतजार। देखना हो इसके बाद क्या मोदी एक बार फिर से लहर मोदी की चलती है, या फिर प्रधानमंत्री के पद पर इस बार होगा एक नया चेहरा देश की उन्नति के लिए। फिलहाल आपसे यहीं पर लेते हैं इजाजत, लौटेंगे जल्द ऐसे ही नए कार्यक्रम को लेकर, तमाम बड़ी अपडेट को लेकर। देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़, और मुझे फिलहाल दीजिए ही इजाजत। नमस्कार।